ना गया, मैं कह रहा तब गंदा बच्चा नहीं है तू क्रिश्चियन, मैं नहीं कहूंगा तुझे मसीह में। कह रहा यहूदी लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं, दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता है। आपने नए नियम में पढ़ा कि एक विधवा औरत यीशु मसीह के पास, एक कहानी बताई यीशु मसीह ने एक विधवा औरत की। उसने कहा एक औरत गई राजा के गेट पर और उसी समय बार बार गेट खटखटाती रही, राजा मेरा न्याय चुका, राजा मेरा न्याय चुका। सुबह भी दोपहर भी शाम भी उसने गेट खटखटाया, उसने कहा राजा मेरा न्याय चुका, न्याय चुका। और उसी समय उस औरत के लिए राजा ने पहले एक बार उसको टाला, दो बार टाला, लेकिन तीसरी बार कह रहा फिर उठकर आया, बोलता है कह रहा यार इस बुढ़िया ने मेरी नाक में दम कर दिया, कह रहा पहले इसी की बात सुनूंगा, आजा फटाफट। आपको बता रहा हूं कि एमएलए क्या, मिनिस्टर क्या, जो कह रहा गांव के लोग ज्यादा उनके घर के बाहर बैठ जाते हैं, कह रहा सरकार के भी घर के बाहर बैठ जाते हैं ना, तो कह रहा उनकी सुननी पड़ती है उनको। हालेलुया, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा जो लोग आपको आपके घर पर कह रहा है कि जो जिससे अगर आपने किसी को पैसे उधारे दिए हैं, आपको पता है साले से पैसे आसानी से नहीं निकलते, लेकिन जब बार बार मांगते ना बार बार, तब एक व्यक्ति को पता है कि इसके पैसे पहले देने हैं। आपने 10 आदमियों के पैसे देने हैं, लेकिन अगर आपने 10 आदमियों में से 5 आदमियों के पैसे आप उसके बाद में देते हो जो आपको ज्यादा तंग करता है, कम तंग करता है, जो ज्यादा तंग करता है उसके पैसे पहले देते हैं कि नहीं? आज विश्वास करो जो लोग ज्यादा प्रार्थना कर रहा है आज सबसे पहले गवाही उसकी बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? यस। अरे हाँ या ना, अपने पड़ोसी को बोलो ए पतीले आप तिल्ला बनना छोड़ दे, आपको विश्वास करना है जो थोड़ी प्रार्थना करते हैं वो आशीष नहीं पाते, लेकिन जो ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि दानियल परमेश्वर ने बताया, यीशु मसीह ने भी करें अपने चेलों को समझाया करें नृत्य प्रार्थना करना, करें हिम्मत ना हारना। हालेलुया, डेली प्रार्थना करना, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन अगर आपने इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर किन लोगों को स्वर्ग में आशीष देगा, किन लोगों के लिए स्वर्ग से स्वर्गदूतों को भेजेगा मदद के लिए, जो डेली प्रार्थना करते हैं, जो एक भी दिन नागा नहीं करते लेकिन गोलगप्पे खाते हैं, एक आन दे दो जान दे, नागा नहीं हो रहा भाई साहब जान दे, शादी में जाते हैं नागा करते हैं गोलगप्पे खाते हैं। एक आदमी को देख रहा था प्लेट में, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा, कह रहा रसगुल्ले भी उसमें, साग भी उसमें, बर्फी भी उसमें, छोले भी उसमें, कह रहे जलेबी भी उसमें। मैंने कहा कहां से आया, कह रहा यूपी से। मैं कहा ये क्या चक्कर है इतनी प्लेट की भरी है, कह रहा पता नहीं दोबारा मिले ना मिले खत्म हो जाए। अरे नागा नहीं करते, इनको पता है मिठाई की दुकान पे इस बारात में जाना, करा मैंने कहा थोड़ा खा ले, अबे क्या करा करा 21 रुपए दे रखे, सगन दे रखा भाई साहब 51 रुपए सगन डालते हैं, थाली की प्लेट इतनी भर के खाते हैं। आपको विश्वास करना है, मैं फिर कह रहा हूं कि यहां पर अगर आपने आशीष चाहिए, अगर आप किसी खड्डे में फंसे पड़े हो, अगर आप किसी दुख में हो, अगर आज आप ये फैसला ले रहे हो कि परमेश्वर एक भी दिन नागा नहीं करूंगा चर्च आने में, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, याद रखना एक दिन नहीं, मैं कह रहा हूं आज रात ही मेरा परमेश्वर आएगा, आज रात ही आपकी मुसीबतों को खत्म करेगा, आज रात ही मैं कह रहा हूं सब कुछ करेगा वो आपके लिए। विश्वास करना है आज रात आपकी मुसीबतों का आखिरी रात है यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो ए पतीले प्रार्थना कर ज्यादा। आप समझ रहे कि नहीं? मैं आज आपको कुकर नहीं पतीला बनाकर भेजूंगा, आज विश्वास करना है। देखो नीति वचन 27:2 में पास्टर अशोक पतीला पड़ेगा। हाँ, तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें परंतु तू आप ना करना, दूसरा तुझे सराहे तो सराहे परंतु तू अपनी सराहना ना करना। हाँ, क्या लिखा, बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन फिलेल हो जाते हैं, पास्टर भी विश्वासी भी करें उनके काम नहीं बनते। कितने लोग ऐसे हैं जो बड़े टाइम से प्रभु को जानते हैं और लेकिन आज तक काम नहीं बना उनका, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं लेकिन क्यों नहीं बनता? कई बार हम अपनी लाइफ में क्यों फ्लोप हो जाते हैं, क्योंकि आप एक मैं स्क्रीन पर फोटो दिखाता हूं, देखो, क्योंकि चढ़ाई में आ जाते हैं। गुब्बारा लेकर एक लड़की गुब्बारा फैला रही है, देखो फुला रही है, ये क्या कर रही है, ये अपने पापा को चढ़ा रही है, पापा बहुत अच्छे हो मुझे चॉकलेट दिलाओगे, मुझे साइकिल दिलाओगे, चढ़ा रही है। लेकिन एक दिन मैं कह रहा हूं आज बच्चे भी चढ़ाना जानते हैं, बटर लगाना जानते हैं, कह रहा पड़ोसी भी बटर लगाते हैं, आपकी कार बड़ी अच्छी है, आज बहुत सारे लोग बटर लगाना जानते हैं एक दूसरे को। एक दिन पौलुस जा रहा था और इसमें बरनबास ने उसको बटर लगाया और उसने कहा, बरनबास ने कह रहा कि तू बड़ा अनॉइंटेड पास्टर है, कह रहा मैं तो तेरे साथ ही चलूंगा। और उसी समय पौलुस ने कहा ठीक है मैं तेरे को अपनी टोली में शामिल करूंगा चल। और दोनों गए और वहां पर एक दुष्ट आत्मा ने उसकी तारीफ किया और वहां पर जाते ही क्या हो गया, घमंड हो रहा था, एक औरत में दुष्ट आत्मा आई और दोनों की पिटाई हो गई। और उसी समय वापिस आए और अगले दिन कह रहे सिलास को लेकर गया। और उसके बाद जब वो जा रहे थे, बाइबल बोलती है कि फिर उनको एक औरत के अंदर दुष्ट आत्मा मिली और वो दूर से देख कर पौलुस को कहने लगी, पौलुस मैं तेरे को जानती हूं, तू परमेश्वर का दास है। लेकिन पौलुस ऐसे खड़ा चुपचाप, कर पहले भी तारीफ सुनी थी अपनी
चुपचाप खड़ा पोलुस, पोलुस कह रहा मैं अब अपनी तारीफ नहीं कराऊंगा, आप समझ रहे कि नहीं। कह रहे कि यहाँ पर और जिस समय वो कह रही कि तू तो बहुत अनॉइंटिंग है, मैं तो तुझे देखते ही भाग जाऊंगी। और जिस समय पोलुस चुपचाप खड़ा है और पोलुस कह रहा है बेटे मैं ही जानता हूँ पहले बहुत पिटा था। कह रहा है और जिस समय क्या कह रहा है अंदर से, अंदर से अपने आप कह रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर मुझे बता मैं इसको निकालूं कि नहीं निकालूं। परमेश्वर ने कहा इसकी बात ज्यादा मत सुन, इसको बोल चल निकल ले पतली गली से। हालेलुया। और उसने कहा और वो निकल गई, क्योंकि पौलुस भी समझ गया, कह रहा है कि जब आपको हो सकता है कोई ना कोई आपको चढ़ा रहा हो, आपको चढ़ाते हैं लोग, आपको झाड़ के पेड़ पर चढ़ाते हैं, मैं कह रहा हूं किसी के चढ़ाई में नहीं आना। अपने पड़ोसी को बोलो किसी के चढ़ाई में ना आइयो। बहुत सारे लोग आपको गुब्बारे की तरह फुला देते हैं और एक दिन फिश कर देते हैं, जब उनका मतलब होता है आपसे पैसे लेते हैं, जब उनका मतलब होता है आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन उसके बाद फिनिश। हालेलुया। तो एक आदमी और एक औरत, दो पति पत्नी मेरे चर्च में आए, आज से 5 साल पुरानी बात है, वेस्ट बंगाल से, और एक माँ बेटी बेटा चर्च के अंदर आए, और वो आते ही गेट पर मेरी तारीफ करने लगे, बोलने लगे जिस दिन वो मेरे से मिले वो चर्च में वहां पर रहते थे, और एक दिन मैं विजिट करने के लिए गया तो उसी समय मेरी तारीफ करने लगे दो पति पत्नी, बोलते कि आप पास्टर जी आप तो ऐसे करते हो लू दुनिया से गिरती ऐसे। मैंने कहा चढ़ा रही मुझे। पता है मेरे को अंदर से मुझे पता है, उसको नहीं पता, पौलुस को बाद में पता लग गया कि मेरे ऊपर परमेश्वर का वरदान है, आत्मा परखने का वरदान। आप किस मनसा से यहां पर आते हो परमेश्वर जानता है, आपको समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहा आपके अंदर क्या चल रहा है परमेश्वर को पता है, लेकिन कह रहा है कि इस बात को आपको समझ रहे हैं। कह रहा उस औरत ने दोनों पति पत्नी ने मेरी तारीफ किया, कहते मैंने आप तो बहुत स्मार्ट दिखाई देते हो। मैंने कहा अच्छा आप करा कि अनॉइंटेड पास्टर हो आप, ऐसे पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा थैंक यू, मैंने कहा कोई नहीं मुझे पता अंदर तो क्या कर रही है। मैं से डांट रहा था अंदर अंदर से, लेकिन उसी समय बोल रही थी, मैंने कहा अपना मकसद बता, मकसद तेरा मकसद क्या है मेरी तारीफ करने का। बोल रही है पापा जी हम तो ये चाहते हैं आप हमारे सिर पे हाथ रख दो और हमारे हमारे चर्च भी ऐसे भर जाए, भीड़ हो जाए, बहुत लोगों में जाने। मैंने कहा अच्छा तारीफ सुनना चाहती है, तारीफ कराना चाहती है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर मेरा नाम कर दे, मेरा ये कर दे, वो कर दे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है ये औरत ऐसा कर रही। मैं देख रहा हूं कि उसके ऊपर मैंने हाथ रखा, आज उसके चर्च में 2 लोग हैं। फिर उसके बाद अगले साल फिर 50 लोग, फिर 100 लोग, इससे ज्यादा नहीं, ऊपर से एवरेज नीचे आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है। क्यों? हाथ रखने से नहीं। कह रहा आपकी आत्मा में, अगर आपकी आत्मा में सही ज्ञान है तो आप तरक्की करेंगे। आज रात मैं कह रहा हूं एक गोलियत आपके लिए मारा जाएगा यीशु मसीह के नाम में, एक दुश्मन मारा जाएगा, एक बीमारी मारी जाएगी, आज आप जीतेंगे, विनर होंगे यीशु मसीह के नाम में। और जो लड़का मेरे पास आया अपनी माँ के साथ, मैं जब भी चर्च के अंदर जाता था मैं उसको देखता दूर से, और वो सिर्फ चर्च के अंदर हमेशा प्रार्थना करता रहता। मैंने देखा कि यार ये अब भी प्रार्थना में बैठा है, इसकी माँ एक क्विंटल की है फिर भी घुटने टेक कर प्रार्थना में बैठी है। कुछ लोग बहाना मारते हैं, बोलते पास्टर जी साढ़े गोटे मुड़ दी, मैं बड़ी 80 साल दी होगी, हम मेरे तो प्रार्थना नहीं। हाथ को मैंने देखा, उसके लड़के को देखा, जब भी मैं आया मैंने देखा प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं दिन में 3 बार, 1 बार, 2 बार, जो मेरे पास कैमरे में देखता हूं मैं। और उसी समय मुझे बताया कि वो ये पता नहीं कौन आए हुए हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं, आपके लिए करते हैं प्रार्थना। बोलो हालेलुया। और वो सिर्फ यही प्रार्थना कर रहा है। मैंने कहा इसकी प्रार्थना सुनो, ये क्या कर रहा है प्रार्थना में, क्या कह रहा है पता है? कह रहा है कि परमेश्वर मेरे आत्मिक पिता प्रोफेट बजिंदर को बहुत बढ़ा दे यीशु मसीह के नाम में, मेरे पिता यीशु मसीह दया कर, मेरे लिए दुआ कर रहा है। और उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा इसके सिर पर हाथ रख, मैं इसको आशीष दूंगा। बोलो हालेलुया। आज मैंने उसके सिर पर 5 साल पहले हाथ रखा, मैं आपको बता रहा हूं। आज आप कोलकाता ब्रांच देखते हो, एक चर्च नहीं, जितने ये 2 चर्च मिलाकर उसका चर्च बन गया है। हालेलुया। इतने लोग आते हैं वहां पर, इतना अनॉइंटेड हो गया है कि परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, कह रहा जैसा मैं बोलता हूं वैसा हो जाता है, और जब वो बोलता है वैसा हो जाता है। परमेश्वर चमत्कार करता है, क्यों करता है? क्योंकि उसने जान लिया है कि तारीफ करे परमेश्वर की हो, इंसान की नहीं हो। अपने हाथों को उठाओ, आज पवित्र आत्मा उन लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, कह रहा जो परमेश्वर की तारीफ करना चाहते हैं। आज परमेश्वर ने अगर आपको सेवकाई दी है, आपको घर दिया, पैसा दिया, शोहरत दिया, आपको नाम दिया है, परमेश्वर ने इसलिए नहीं दिया कि आप अपनी तारीफ करते फिरे, लेकिन परमेश्वर ने वो तारीफ करे कि अपनी कराने के लिए दिया है। परमेश्वर कह रहा मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं, कह रहा जो कह रहा कि मुझे अपने हाथों को नीचे करो
अब इसी समय परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं, एक जन को परमेश्वर यहां पर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर की तारीफ कर सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा बोलता है, एक दिन टूट गया और वो बोल रहा है, कह रहा कि मुझे एक भी जन ऐसा नहीं मिला, कह रहा जो मेरी युक्तियों पर चल सके। लेकिन बाइबल बोलती भजन संहिता में दाऊद को कहा, कह रहा एक मनुष्य मुझे मिल गया है, उसका नाम दाऊद है, कह रहा जो मेरी युक्तियों पर चलता है, कह रहा कि अब मैं वो भेड़ बकरियां नहीं जगाएगा, आज के बाद राजा बनेगा राजा। मैं कह रहा हूं अगर आज आप बिजनेस कर रहे हैं अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, अगर सेवकाई कर रहे हैं, पास्टर बन रहे हैं, प्रॉफिट बन रहे हैं, अपने फायदे के लिए बन रहे हैं कि मेरे पास लोग आएंगे पैसा आएगा, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कभी नहीं देगा आपको वो अनॉइंटिंग, वो कभी नहीं देगा वो पैसा, आपको शोहरत, वो धन, वो नाम सम्मान कभी नहीं देगा। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर की तारीफ कराने के लिए कर रहे हैं, आज रात मैं कह रहा हूं आप जीरो से हीरो बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको फैसला लेना आज कि आपको क्या बनना है। मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन वो लोग जो पश्चाताप के साथ आ रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के पास कह रहा कि आप दूसरों के चढ़ाई में नहीं आ रहे, पास्टर बजिंदर आपको फुला नहीं रहा है, आपको गिरा नहीं रहा है, आपको बटर नहीं लगा रहा है, ये प्रॉफिट बजिंदर आपको बटर लगाने के लिए यहां नहीं बुलाता, आपको परमेश्वर की तारीफ दिखाने के लिए बुलाता है कि वो यहां पर है। हालेलुया, वो यहां पर है और वो आपके बीच में काम करेगा आज रात, आपके ऊपर से कह रहा कि उन समस्याओं को खत्म करेगा आज रात। कह रहा कि किन लोगों की, जो लोगों ने इस बात को सीख लिया है कि मुझे एक दिन प्रार्थना नहीं करना, मुझे आज छुटकारा चाहिए। अगर आप प्रार्थना करते हो, कुछ औरतें कुछ भाई लोग झूठ बोलते हैं हम प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग एक दिन की फास्टिंग करते हैं और लोगों को बताते फिरते हैं, पता आज मेरा व्रत है, व्रत आज मैं ना कुछ नहीं खाना, मैं आज कुछ नहीं खाता, मैं आज कुछ नहीं पीता, मेरा व्रत है व्रत। तो लोगों को दसते फिर देने कि मेरा व्रत है व्रत, लोगों को बताते फिरते हैं, मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूं, 3 बार हेलो लोगों को बताते फिरते हैं हेलो, पता लोगों को घर जाते हैं पास्टर भी और बोलते हैं हेलो मेरा चर्च इधर है इधर। मैं कह रहा हूं आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा चर्च किधर है, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज के बाद कि मेरा घर किधर है, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरा दुकान मेरा बिजनेस इधर है चल नहीं रहा, हेलो इधर आना, ये मत ले कार्ड, मेरा कार्ड लेकर जा। कुछ लोग आते हैं यहां पर अपना कार्ड बांटते फिरते हैं, उसको कार्ड बांट रहे बोलते हैं, कह रहा है मेरी मच्छी की दुकान है आ जाना मेरी दुकान पर, मैं ब्यूटी पार्लर वाली हूं, ये ले मेरा कार्ड लेकर जा, लोग बांटते फिरते हैं। मैं कह रहा हूं आपको बताने की जरूरत नहीं है, आज प्रार्थना करने वाले जो नित्य प्रार्थना करने का फैसला ले रहे हैं, स्वर्गदूत उतरेंगे और ग्राहकों को तुम्हारी दुकान पर बताएंगे, एड्रेस देकर जाएंगे, एड्रेस देकर जाएंगे। शाऊल जब अंधा था, जब शाऊल अंधा था और प्रार्थना करने लगा, जब उसकी आंखें नहीं थी, कह रहा कि तब जब उसकी आंखें थी तब वो एक दिन भी प्रार्थना नहीं करता था, लेकिन जब उसकी आंखें चली गई तो वो रोज परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना कर रहा है, एक मिनट भी वो बंद नहीं किया उसने, और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और उसको एड्रेस ही बताया, और एड्रेस था, कह रहा स्वर्गदूत ने आकर कहा, कह रहा कहां है वो गली, कौन सी गली है, कह रहा उस गली का नाम है, कह रहा सीधी गली, सीधी, कह रहा कौन सी सीधी, कह रहा जहां पर जा उस गली का नाम सीधी है, और कह रहा उस गली में एक शाऊल नामक आदमी करम उससे निरंतर प्रार्थना कर रहा, प्रार्थना। आज मैं कह रहा हूं जो लोग निरंतर प्रार्थना करेंगे, हो सकता है स्वर्गदूत आपके लिए घर से निकला हो आपको आशीष देने के लिए, लेकिन आपने अगले दिन प्रार्थना करना बंद कर दिया। आप बहुत बार कार मांगते हैं परमेश्वर से, मकान मांगते हैं, बच्चा मांगते हैं, एक साल मांगते हैं, जब मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो आप उसी समय प्रार्थना बंद कर देते हैं। लेकिन आज अगर आप फैसला ले रहे हैं, आप फिर से अपनी प्रार्थना को निरंतर चालू कर रहे हैं, अपने मांगने को चालू कर रहे हैं, आज रात परमेश्वर एड्रेस देने वाला है स्वर्गदूतों को आपके काम बनाने के लिए। चार्ज मैं कह रहा हूं एक एड्रेस आएगा, एक स्वर्गदूत आज रात आपकी गली में आएगा, यीशु मसीह के नाम में आपके कामों को बनाने के लिए आएगा, आपके मोहल्ले में आएगा, ये परमेश्वर है। अगर आपको आज फैसला लेना है कि मैं एक दिन नहीं, मैं बता रहा हूं कि मैंने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर मेरा ब्याह करा दे, ब्याह करा दे, ब्याह करा दे, जब मैं प्रभु में आया नया नया, मैं बोल रहा था परमेश्वर मेरी शादी करा दे, शादी करा दे, मुझे 12 लड़कियों ने देखा रिजेक्ट कर दिया, 12 मतलब कि सांस मेरी तो नहीं थी वो, मतलब उसकी माँ आई, 12 माँ बाप आए लड़की के, उन्होंने देखा लड़का क्या करता है, कह रहे कुछ नहीं, क्या हुआ, माँ बाप अकेला रहता है, कह रहे हाँ, काम क्या करता है, कह रहा कुछ नहीं, कह रहे कुछ नहीं करता, कह रहे रिजेक्ट। मैंने कहा, मैंने 3 बार शीशे में मुंह देखा जाकर, मैंने कहा यार क्या है, इतनी भी नहीं, मैंने कहा 1 2 3 4 10 10 10 फैमिलियों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उस समय मेरी प्रार्थनाएं क्या थी कि मैं एक दिन ऐसे प्रार्थना करता था, अगले हफ्ते फिर प्रार्थना करता था। लेकिन प्रार्थना तो आप करते हैं, लेकिन आप जो अपनी चीजें मांगते हैं, जब मांगते हैं, कह रहा कि एक बार मांगते हैं नहीं मिलती तो उसके बाद अगले साल आपकी प्रार्थना वो बंद हो जाती है, आप 1 साल से ज्यादा नहीं मांगते, आप डर जाते हैं 6 महीने तक मांगते मांगते। जिस औरत को 7 साल बच्चा नहीं है, वो 1 साल मांगती है, दूसरे साल मांगती है, तीसरे साल स्टॉप, वो कहती है कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस ऐसा कोई मिले झाड़ू लगाए
और सिर पे कोई है डंडा छुरी फिराए और हो जाए काम आज। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर आप मेरे भी सिर पर, हाँ आप अपने सिर पर मेरा हाथ रखवाओ, चाहे मेरे को पूरा का पूरा अपने सिर पर ही बैठा लो तब भी कुछ नहीं होने वाला, चाहे 10 मेरे जैसे पास्टर लेकर बैठा लो अपने सिर पर तब भी नहीं होने वाला, कंधों में बैठा लो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात एक स्वर्ग दूत उतरेगा स्वर्ग से आपके घर में आशीष देने के लिए चर्च। मैं कह रहा आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आमीन बोलने वाले आज, आमीन हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जावा, हालेलुया अपनी परेशानियों से आजाद हो जाओ, हालेलुया बोल कर। हालेलुया मैं फिर कराऊं प्रार्थना आपको छुटकारा नहीं देने वाली, एक दिन की एक हफ्ते की प्रार्थना आपको छुटकारा नहीं देने वाली, लेकिन आपको निरंतर प्रार्थनाएं छुटकारा देने वाली हैं। अगर आप निरंतर प्रार्थना करते हो मेरी जरूरत नहीं पड़ने वाली, अपनी तारीफ नहीं करा रहा हूं, मैं खुदा की तारीफ कर रहा हूं। आज रात पवित्र आत्मा आपके घर पर एक स्वर दूत को भेजेगा और उन शेरों का मुंह बंद कर देगा आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं उन लोगों का मुंह बंद होगा, ताले लगाएगा परमेश्वर जिन्होंने आपके पर उंगली उठाई है, जिन्होंने शर्मिंदगी दी आपको। मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा आपकी शर्मिंदगी को हटाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी गवाही बनने वाली है, टेस्ट मनी स्वर्ग से उतरने वाली है आज। आमीन। जितने चिल्ला रहे हैं वो स्वर्ग से आशीषों को देखेंगे आज यीशु के नाम में। हम देखते हैं दूसरा शमूएल के अंदर, देखो एक लास्ट वचन को पढ़ेंगे आज के, आज का लास्ट, हाँ हाँ पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 12:23 और उसका 24। हाँ स्क्रीन पर देखें। परंतु अब वो मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वो मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बतशेबा को शांति दी और वो उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा, वो यहोवा का प्रिय हुआ। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो यहां पर कौन है, ये दाऊद। दाऊद परमेश्वर से प्यार करता है और दाऊद ने अपनी लाइफ के अंदर क्या किया, दाऊद ने एक आदमी की हत्या कर दी। और किस बात के लिए? क्योंकि उसको उसकी औरत पसंद आ गई थी। उसने क्या कहा? उसने कहा कि क्योंकि राजा को आदेश था वो ज्यादा पत्नियां ना करे, और दाऊद जो है राजा होने के बाद उसने बिना परमेश्वर से पूछे उसने शादी कर ली और उसकी हत्या करा दिया और बाद में उसके साथ शादी कर लिया। और उसके बाद कह रहा कि वो, लेकिन लोगों ने उसको चढ़ाया, बोलते कह रहे हैं अरे तुझे नहीं पता, हमें पता है, परमेश्वर माफ कर देता है, कोई बात नहीं। आज आपके विचार आपको चढ़ाते हैं, आपको गिराते भी हैं, आपको चढ़ाते भी हैं। आप जब पाप करते हैं, पाप करने के बाद आपका दिमाग बोलता है कोई बात नहीं, आज शराब पी ले कल परमेश्वर माफ कर देगा, आज भंगड़ा पा ले, आज मम्मी दे मुंडे का ब्याह है, आज चलो कोई बात नहीं माड़ी जी दारू पी ले, कह रहा है परमेश्वर माफ कर देगा। मैं कह रहा हूं अगर आपने मसीहत में आने के बाद शराब पीना छोड़ दिया है, मैं कह रहा हूं अगर आज आपने गाली देना छोड़ दिया है, कह रहा है कि आज मुसीबत आ गई आज गाल दे दे बस कल पर माफी मांग लेंगे परमेश्वर, तो आज कई लोग जल्दी जल्दी में अपने घर में अपनी पत्नी को गुस्से में फिर से गाली दे देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, फिर कहते हैं चल कोई नहीं माफी मांग लेंगे कल है। लेकिन यहां पर ये प्रार्थना उपवास कर रहा था और उसी समय लोगों के चढ़ाए में आ गया। लेकिन कौन है ये? मैंने क्या कहा, इसने जब मुसीबत को देखा प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया और रोता रहा कमरे में बंद करके, गिड़गिड़ाता रहा, और क्या रिजल्ट आया? बच्चा मर गया है। रो पड़ा है ये आदमी और गिड़गिड़ा रहा है परमेश्वर के सामने कि मैंने इतने साल से तेरी दुआएं किया, इतने साल से तेरी विनतियां किया, लेकिन परमेश्वर तूने मेरी अनसुनी क्यों कर दी? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, करा मैं एक मुसीबत में जो लौट पड़ने के बाद प्रार्थना करते हैं, करा कि उनकी मैं प्रार्थना को तुत्कार देता हूं, छुटकारा नहीं देता। करा कि तू, करा जब मुसीबत में पड़ा, करा तू भूल गया परमेश्वर के कायदे कानून को, भूल गया था दाऊद राजा बनने के बाद। आज बहुत सारे लोगों के पास नाम है, पैसा है, शरत है, जॉब है, करा आज आपके बच्चे विदेशों में, लेकिन आप भूल गए हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर डेली प्रार्थना करने वालों की सुनता है। याद रखना करा कि अगर आज आप किसी पाप में, अगर आज आप करा पाप से पश्चाताप नहीं कर रहे, एक दिन करते हैं पश्चाताप, अगले दिन फिर बीड़ी पीने चले जाते हैं, अगले दिन फिर गुटखा खाने चले जाते हैं, अगले दिन फिर नशा करते हैं, परमेश्वर माफ नहीं करता, परमेश्वर क्रोध में आ जाता है। क्रोध को देखा दाऊद ने और उसी समय उसका बच्चा मर गया है। और उसी समय परमेश्वर आज ऐसे लोगों को कह रहा है, करा कि अगर आज करा कि आपको समझ में आए ना, लेकिन दाऊद को समझ में आ गया। देखो स्क्रीन पर दाऊद, वहां पर लिखा कि दाऊद लिखा उसने उसका, करा के वहां से उठा और वो करा के उसने जाकर कहा मेरा बच्चा मर गया, अब मैं क्यों उपवास करूं? हालेलुया। बोलता है परमेश्वर उसे जिंदा नहीं करने वाला क्योंकि मुझे पता लग गया है गलती मेरी है। उसने सच्चा पश्चाताप किया और उसने उसी समय क्या कहा, करा बतशेबा के पास गया, उसी औरत के पास फिर गया, अपनी पत्नी के पास गया और उसी समय उसके बाद उससे एक आशीषित बच्चा हुआ, सुलेमान पैदा हुआ। याद रखना परमेश्वर आपके प्यार को छीनने के लिए नहीं आया, आपकी
आपकी चीजों को छीनने के लिए नहीं आया, आपको सुधारने के लिए आया है, आपके देश को, आपके नाम, आपकी जात को छीनने के लिए नहीं आया। आपको परमेश्वर आज रात आपसे बात कर रहा है इस वचन से। अगर आपका सच्चा पश्चाताप है, अगर आज आप परमेश्वर के सामने वादा कर रहे हैं कि मैं डेली प्रार्थना करूंगा, मैं मुसीबत के दिन प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं एक दिन प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं आज से फैसला लेता हूं, आपके पास मौका है आज, हाथ उठा लो, आज मौका है, आज मौका है आपके पास। परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा डेली प्रार्थना करूंगा, नित्य प्रार्थना करूंगा, एक भी दिन नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर का आत्मा करा, अगर तुम नागा ना करो आज रात, परमेश्वर करा अपने दूतों को तुम्हारी मदद करने के लिए डिवाइन हेल्पर भेजेगा, डिवाइन हेल्पर भेजेगा। आज आपके कर्जे उतरेंगे, आज आपका बिजनेस फिर खुलेगा, वो अन्य भाषा आएगी आपके पास, करा पवित्र आत्मा की उपस्थिति आएगी यीशु मसीह के नाम में, वो अन्य अन्य भाषा को भेजने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में आपको उस खड्डे में से बाहर निकालने वाला है। बेशक आपके सामने शत्रु खड़ा हो, बेशक मुसीबतें खड़ी हो, लेकिन आज रात वो मुंह खोल लेना पाएंगे आपके खिलाफ, क्योंकि वो जानते हैं करा ये डेली प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ये नागा करने वाले लोग नहीं है। मैं कह रहा हूं शेर भी ठंडा हो जाएगा, वो बीमारियां आज उनके मुंह बंद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जितनों को विश्वास है अपने हाथों को उठाकर जोर से चिल्लाओ आज, हालेलुया बोलकर चिल्लाओ आज, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज आपको खाना